सब प्यार दसगी, प्यार दसगी। पैसा बतेरे कमा ले, पब्लिक का प्यार कमाओगे, पब्लिक का प्यार कमाओगे। अरे भाई साहब बात सुनो, प्यार दसगी, अरे प्यार दसगी। इस गेम में नमाम नबंदी 6 मैच है, अगले मेरे में 12 कर देंगे। पब्लिक का प्यार होगा कि 14 कर दे। एक मैच था 12 लीटर दूध है और 6 किलो की है। तो जलेबियां आपने बहुत सी खाई होंगी, लेकिन ये हम आपको दिखा रहे हैं गोहाना की। जी हाँ, रोहतक के समीप पड़ता है गोहाना, और गोहाना की जलेबियां बहुत ही ज़्यादा मशहूर हैं। पूरे हरियाणा की अगर हम बात करें तो गोहाना की जलेबियां बहुत ज़्यादा मशहूर हैं। जलेबियों का आप साइज़ देख लीजिए साहब, इतनी मोटी मोटी जलेबियां आपने शायद पहले कभी नहीं देखी होगी। इस वीडियो को आप शेयर अवश्य करें। प्यार चाहिए करा बैठ के 6 मैच पूरी और 6 बछेरे हैं और अगले मेरे में नहीं 12 मैच कर देंगे और पब्लिक का प्यार होया करे 14 कर दा। एक मैच तरह 12 लीटर दूध है और 6 किलो की है और बनियोला खाओ प्यार बनियोले। भाई क्या रेट है ये जलेबी? 70 रुपए का एक, 280 रुपए किलो। 70 रुपए का एक? क्या वजन है इसका? 250 ग्राम का एक पीस है जी। अच्छा, हम नहीं बोलेंगे, पब्लिक बोलेंगे के चीज है के ना। अच्छा, पसंद ना वानी पीसे फरी और 6 किलो का रिबैंड का गल्ला दे देंगे। अच्छा, और 500 रुपए नकदी नाम। अच्छा, देसी बिल्कुल देसी की मिलावट वानी। तो ये थाना लागा, थानेदार ने बुलाओ और हम मठुआओ। अच्छा, बिल्कुल। कितनी जलेबी बिक जाती है रोज? भाई साहब पब्लिक का प्यार हो ना, कम से कम 70-80 जग जलेबी बिक जाए। अच्छा, पब्लिक का प्यार चाहिए हमने। अब पब्लिक का प्यार ना होगा नहीं, आप मेले में के लेना होंगे। मेरे भाई कितना समय हो गया आपको जलेबी बनाते हैं? माँ का समय होगा 10-12 साल। हाँ, हमें हर मेले में आते हैं। ये तो लॉकडाउन हो गया 2-4 साल में, लॉकडाउन में आए को नहीं है। अच्छा, हाँ जी। अच्छा, तो पापा भी यही काम करते थे? पापा भी करते हैं, दादा भी करते हैं, उसके बाप भी करते, सभी यही काम करते हैं। सभी यही काम करते? हाँ जी। कितना समय हो गया गोहाना में? गोहाना में हमें कम से कम भी 10 साल हो गया जी। अच्छा, हाँ भाई साहब साइज तो बहुत बड़ा है, चक्कर क्या है? बस साइज की सुनो जी, साइज के पैसे हैं जी, प्योर देसी की 250 ग्राम है। अच्छा, स्वाद ना वानी पीसे उल्टे और 6 किलो जलेबी, 500 रुपए नकदी इनाम और भाई ने गड्डी बांध के देवेंगे। और खराब जरा जाओ खराब भी हमें देवेंगे। तो पब्लिक खुश तो हम खुश है भाई। हरियाणा में इससे भी बड़ी कोई जलेबी बनाता है? तब कोई जलेबी बनाता होगा नहीं। तो भाई साहब हमारा नंबर ले लो, गुआना में कोई जलेबी भी इससे बड़ी बनाता है। अच्छा, गुआने के मशहूर जलेबी है। अच्छा, 5000 रुपये नकदी इनाम है जी। अच्छा, गुआने से अलग कोई बनाओ, गुआने में नहीं कहूँगे हमें, गुआने से अलग कोई बनाओगे तो इससे बड़ी प्योर देसी की। अच्छा, और पूरी मैस का की है। पूरी मैस का? हाँ। अच्छा, बछेरे है। अच्छा, और पब्लिक का प्यार है नी। हाँ, तो 14 मैस बांध देंगे। अच्छा, एक मैस 15 किलो बनियोले खावा है। अच्छा, और नू सुन और देसी की भी खावा है। बिल्कुल जी, और कुछ जी? साइज तो बहुत बड़ा है, छोटा बच्चा तो नहीं खा सकता? छोटा बच्चा नहीं जी। हाँ, इसको चार बंदा खा सकता है। चार जगह पूरी है। हाँ जी, इसको आप जलेबी ले आओ जी। हाँ, ठीक है, इस जलेबी को 15 दिन रखो जी, फ्रिज में ना रखियो। हाँ, खराब हो जाने 15 दिन है। हाँ, मारा नंबर ले लो। हाँ, मारा उल्टी गिर जियो जी। अच्छा, और 3000 रुपये नकदी इनाम है। ब्याह शादी में भी लगाते हो? हाँ जी, ब्याह शादी में, ब्याह शादी में जाते। कोई कहेगा ना पब्लिक प्यार से बुलाएगा। हाँ, तो प्यार में जरूर जाएंगे। ब्याह शादी में जाते? नहीं नहीं, ब्याह शादी में जाते हैं, पब्लिक प्यार से बुलाती है। प्यार चाहिए हमने, पीछा नहीं चाहिए। तो भाई साहब ये देख लीजिए, भीड़ यहाँ पर काफी लगी हुई है जलेबी को खरीदने के लिए। काफी लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं। और साइज आप देख लीजिए, बहुत बड़ा साइज है। एक जलेबी का साइज करीब 250 ग्राम है जी। हाँ, एक जलेबी का साइज 250 ग्राम है। 70 रुपए किलो जलेबी दी जाती है। इस वीडियो को आप शेयर जरूर करें। ये है गोहाना की मशहूर जलेबी। अर्जुन, हाँ जी। तो अर्जुन भाई नंबर भी दे दो किसी को, भाई को जरूरत पड़ जाएगी आपकी। 95-182-86-0-77। पब्लिक कहीं भी हो, ब्याह शादी में लोड पड़े नहीं भाई, मैं प्यार में कुछ नहीं चाहिए, पैसा भी कौन चाहिए। अच्छा, प्यार में जान भी हाजिर भाई खातर। अच्छा, पब्लिक का प्यार चाहिए अपन है। हाँ, और कुछ नहीं चाहिए। लाइव देख लग रहे लोग आपको, क्या लाइव लाइव देख रही है? तुम्हारे में खासियत है जी। हाँ, यही हमारी क्वालिटी है। हाँ, लाइव देख रही है पब्लिक। हाँ, उन्होंने भाई सब अर्जुन कुछ चीज बनाई है। अच्छा, हाँ देसी की नीरे टपका। बात सुनो, हाथ मारो जी और 6 महीने मैक नहीं जाओगे हाथ मत है। अच्छा, हाँ जी, प्योर देसी की, प्योर देसी की बिल्कुल। कोई मिलावट होगी ना जी?
तो पूरी भैंस, पूरी भैंस है आपके पास? पूरी भैंस है, अरे मारे को नहीं जी, 17 साल हो गए जी, पूरी भैंस रखा मैं। अच्छा। कल देख भी रख दे, पूरी भैंस की क्वालिटी सुनो जी, वो दूध ज्यादा देती है जी, ठीक है जी, कम से कम एक भैंस 15-16 किलो दूध देती है, उसको खाना पीना कुछ नहीं जी, 2 टाइम चारा घेरते हैं तो 16-17 किलो उसको पिनोले खुवाते हैं, ठीक है जी, उसका खर्चा बहुत कम है जी। हाँ जी, एक भैंस का 12-13 लीटर दूध हो गया तो 7 किलो घी निकलेगा जी। खाली अपने जो मालिक के ऊपर बात है जी, जो मालिक होगा नहीं गण खरे जी, मालिक क्या करेंगे, मैं ऐसा ना खुआऊंगा पियाऊंगा कुछ नहीं, सोचेंगे दूध कर ले भैंस 20 लीटर, दूध के निकलेगा जी, दूध नहीं निकलेगा, भैंस की सेवा करो, अपने बच्चे की तरह रखो जी। सुना भाई साहब, आपने इससे पहले बहुत से जलेबी वाले देखे होंगे, लेकिन ऐसा जलेबी वाला आपने नहीं देखा होगा। ये साइज आप देख लीजिए, बहुत ही बड़ी बड़ी जलेबी बनाते हैं, और इनका दावा है कि हरियाणा में इससे बड़ी जलेबी कोई बना नहीं सकता। गुहाना से अलग है, गुहाना से अलग कोई बना होगा नहीं, तो 5100 रुपए नाम है जी, तो 1 साल उसके अगर नौकरी भी करूंगा। लो जी, 1 साल नौकरी भी करेंगे और 5100 रुपए इनाम है भाई साहब। और किसी ने, मैं गुजर गया नहीं जी, मेरे बच्चे नौकरी कर, भाई आप क्यों ऐसा बोलते हो, पब्लिक को संतुष्टि ना हो तो मेरे बच्चे नौकरी, मेरे बच्चे भी काम सीख रहे हैं। अच्छा। हाँ जी, पब्लिक को हमें पूरी संतुष्टि देंगे। हाँ जी, गुहाना में आ सकता है जी, और गुहाना से कोई बना देगा नहीं जी, 5100 रुपए नाम है जी, 5100 रुपए इनाम जरूर दिया जाएगा। ये जो जलेबी, इससे बड़ी जलेबी और जो क्वालिटी की अगर हम बात करें, देसी घी से ये जलेबी तैयार होती है, भूरी भैंस जी हाँ, भूरी भैंस सूजी बेसन देसी घी से तैयार होती है। या तो हमारे ख्याल में ये बताते नहीं जी पब्लिक को जी, यही हमारे में खूबी है जी, हम सिर्फ भैंस की बता दिए नहीं पब्लिक को, नंबर है देसी घी भैंस का बुर्गर। अर्जुन जी, अर्जुन भाई नंबर एक बार फिर बता दो। 95-182-86-0-77। हम पब्लिक को सिर्फ देसी घी के बारे में बताएंगे। भाई कितने पढ़े लिखे हो? मैं जी 10 पढ़ रहा हूँ जी। 10 पढ़ रहे हो? हाँ जी। चलो ठीक है, तो ये देख लीजिए किस प्रकार से इनका दावा ये है कि हरियाणा में इनसे बड़ी, जी हाँ, इनसे बड़ी कोई जलेबी बना नहीं सकता। शुद्ध देसी घी की ये जलेबियाँ तैयार करते हैं, और आप भी यहाँ पर आ सकते हैं और इस जलेबी का लुफ्त उठा सकते हैं। कैसी लगी ताऊ जी जलेबी? जलेबी बढ़िया लगी। मैं पहले यूँ कर दूंगा, यूँ खुआवा का, यूँ फरी, यूँ फरी खुआवा का दादे भाई, पैसा नहीं है, पैसा को नहीं है, झोला रखी हो जरा इसका, ताऊ का, ताऊ का झोला। हाँ, टैक्स करने के पीछे ले, आराम करने टैक्स करने कोई पीछे नहीं दे, तो नहीं वो 2 किलो खाऊंगा, 2 किलो आटा पेट का, 100 ग्राम खाऊंगा, 100 ग्राम का ताऊ भर्ती का, कितनी? मैं तो 100 ग्राम खाऊंगा। अच्छा, कैसी लगी? बहुत बढ़िया। बढ़िया है? हाँ। जीसा आ गया? जीसा आ गया? जीसा आ गया क्या? मार्केट में घूमेंगे नहीं, 2 किलोमीटर दूर लग जाएंगे, और अटकार ले होगा नहीं, नूबर लगा देसी घी खैर गया, और जो ना बेर लगे ताऊ तो 3000 रुपए नकदी नाम देवेंगे। देसी घी किया ताऊ यार? बता ताऊ। ताऊ देसी घी, ताऊ देसी घी। यू बंद कर, बंद कर, बंद कोई चक्कर नहीं बेटे, घी इतना किलो तो आ गया, इतनी इंडिया में माछे को नहीं, 6 भैंस गलत नहीं है जी, 6 भैंस है पूरी, 1 भैंस 12 किलो लीटर दूध। हाँ जी, जितना की एक गोदाम है, गोदाम में इतना घी है जितना इंडिया में ऐसे को नहीं। अच्छा, आपको क्या लगता है देसी घी है इसमें? मैं इसी दुकान का बट्ठा नहीं बिठाना था। देसी घी कहाँ से आ गया इतना इंडिया में? एक मिनट भुजा भाई साहब, आप खाओ जी, एक बार, एक मिनट भाई साहब, आप खाली 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 क्या कर रहे हो? जुगाड़ देसी घी नहीं आई। कैसी लगी आपको? शानदार है, शानदार है। ताऊ का भाई इतना देसी घी कहाँ से आ गया? पूरी ताऊ ने बेटे ने रखी ताऊ के भैंस का के सौदा हो के ना, ठीक है, गरम में अच्छा रख गया मना। और जो नुगा नहीं, अगर भाई साहब यू दुकानदार झूठ बोल रहा तो 10000 रुपए देऊंगा। मैं कोई जट्टा का छोरा नहीं, जमींदार हूँ मैं जी, जट्टा में जमींदार है सारे हमें, ठीक है, पब्लिक का प्यार जी, सारी बरादरी है जी, ठीक है जी, पब्लिक खुश तो हम खुश जी। आपने पहले भी बोल
तो बिल्कुल आप ये देख सकते हैं कि किस प्रकार से देसी मैस नहीं है गड़ा चल लो छह मैस बंद रही है और छह मैस का प्योर दूध है जी और एक मैस का जी 12 लीटर दूध है और एक मैस का 6 किलो घीली गड़ा है जो कमी होगी ना जी 10,000 रुपए नकदी नाम ता उन्हें मैं अपने घर ले जाऊंगा और उसे मैस का दूध पियाऊंगा। बहुत बढ़िया भाई साहब कह ये 50 साल का ताऊ 25 साल का कर दियो मैंने। तो फिलहाल आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से दावा जरूर किया है कि हरियाणा में सबसे बड़ी और शानदार देसी घी की जो जलेबी है वो इनके यहाँ पर तैयार होती है। ये आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से इन्होंने अपना नंबर भी जारी किया है। वीडियो को देखने वाले वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी अवश्य करें। अपडेट जी और बताएंगे कि वास्तव में इसमें देसी घी है या नहीं। जलेबी बहुत बढ़िया देसी घी है ताऊ जी देसी है देसी है वो मैस वाला तो नहीं है लेकिन है देसी है देसी है प्योर मैस या दावा मैं करूं जैसे मैं कोई कमी होगा ना जी पूरी मैस का दूध करना होगा तो पहला 10,000 दे जी इसका जी 20,000 रुपए नाम दूंगा जी। मेरा ये व्हाट्सएप नंबर मैंने दे दिया कोई दिक्कत हो मेरे व्हाट्सएप नंबर फोन करो और 20,000 रुपए भरी ले जाओ। फिलहाल आप ये देख सकते हैं हाँ जी कैसा कैसा लगा टेस्ट में बहुत बढ़िया है बहुत बढ़िया है। जलेबी तो ठीक है लेकिन मैं कर गए का पता नहीं कौन सा घी है। जलेबी जलेबी घी का स्वाद आ रहा है देसी घी की बिल्कुल। चलो भाई साहब ये आप देख सकते हैं कि जरूर बात मान ली गई है कि आपकी जो जलेबी है वो बुरी भैंस की है देसी घी की है जी। ये बात नहीं है हम भैंस को टिक्का लगा के दूध निकालते हैं हम टिक्का लगा के दूध नहीं निकालते ठीक है कम से कम भी उसकी बछेरी 1 साल की हो गया जी हम बछेरी छोड़ते 2 साल के बाद हमारी भैंस दूध देना बंद कर जाती है यही हमारे में क्वालिटी है जी क्वालिटी के पीछे हैं जी हाँ जी खाने का टेस्ट ना होने जी तो 2 किलो जलेबी फ्री 5100 रुपए इनाम जी ठीक है भाई। तो ये आप देख सकते हैं इनाम भी यहाँ पर घोषित कर दिया है। तो इस वीडियो को जरूर आए अगर आप गोहाना में आते हैं तो आप यहाँ पर गोहाना में जरूर पहुँचे। एड्रेस क्या भैया आपका गोहाना में पुरानी नाज मंडी गोहाने में जी लाला माथुराम की जी। तो लाला माथुराम पुरानी अनाज मंडी गोहाना में आप आ सकते हैं और इनकी जलेबी का टेस्ट भी आप जरूर कर सकते हैं। अपडेट आपको देते रहेंगे।